स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद पूरे देश में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जमशेदपुर में एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके दो विद्यार्थी झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्रीय मंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। बालूबासा के सरकारी हरिजन स्कूल में भी स्कूली छात्र छात्राओं को अपने स्कूल के छात्र के मुख्यमंत्री बनने पर काफी गर्व है। वहीं हरिजन स्कूल के रिटायर शिक्षक डीडी सिंह को पुराने विद्यार्थी उनके घर सम्मान देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके दो विद्यार्थी बचपन से ही दूसरे लोगों की समस्या से निजात दिलाते थे, साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग भी करते थे। है बहुत जो मेरे साथ जो है घटनाएं हमारे विद्यालय के साथ हुई। कुछ बच्चे थे विद्यालय के जो पढ़ कर निकल चुके थे, वो शरारती बच्चे 11:30 बजे छुट्टी होने के बाद जो है वे लड़कों से छेड़खानी करते थे। तो एक दिन होटल में हम लोग बैठे हुए थे, आए भी आए हैं रघुवर दास जी, उनसे कहा कि भाई क्या आप लोग जो कर रहे हैं, देखिए इस तरह की घटनाएँ हो रही है। कहा कि मास्टर जी कल से नहीं आएगा। और सचमुच में निश्चित रूप से सादे ड्रेस में कल दूसरे दिन पुलिस लोग आया और लड़कों को पकड़ कर ले गया और इसके बाद से जो है वो काम छूट जाता है। तो इससे झलकता है कि नेतृत्व की भावना इनमें भी थी और आज उसी के बदौलत जो है ये आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी हम लोग जो है यही गुरु होने के नाते अपना इच्छा व्यक्त करते हैं कि समाज में चूँकि झारखंड के विकास के बारे में जो है इनकी एक जो कल्पना है और उसकी तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं वो साकार हो और उम्मीद कर। तो प्रभात हमारे सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रभात, जिस तरह से शिक्षक दिवस के मौके पर कई ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, शिक्षक जो है अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं, बच्चे जो अपने शिक्षकों के साथ हुए अनुभव के वो साझा कर रहे हैं, एक शिक्षक को आपने ढूंढ के निकाला है जो मुख्यमंत्री के शिक्षक रह चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसका भी उदाहरण उन्होंने दिया है। क्या कुछ और बताया उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में? जी देखिए, शायद जिस तरीके से ये डीडी सिंह जो है भालूबासा स्थित भरजन उच्च विद्यालय के शिक्षक थे उस समय जब राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास उस स्कूल में पढ़ा करते थे, साथ ही साथ इससे पूर्व में जो अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे उनको भी वो भी उस स्कूल में पढ़े थे, लेकिन उनका ये अनुभव ये जरूर बताया कि उन्होंने कि दोनों जो विद्यार्थी थे वो काफी सामाजिक तौर पे किसी की भी मदद करने को आगे रहते थे। किसी को अगर कोई छात्र को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए आगे रहते थे, चाहे स्कूल में मॉनिटरिंग करना है उसमें भी ये लोग बहुत आगे रहते थे। तो शुरू से ही दोनों जो छात्र रहे हैं वो स्कूल के, तो दोनों ही काफी मतलब विद्वान थे और काफी छात्रों के साथ में मिलनसार था, साथ ही साथ शिक्षक का सम्मान भी करते थे। जैसे उन्होंने बताया कि आज भी रघुवर दास जब जमशेदपुर पहुंचते हैं तो उनके घर आवास जाते हैं, घर पर जाकर उन्हें सम्मान देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो निश्चित कर सकते हैं कि जो पुराने दिनों की याद है उनके दिमाग में आज भी बैठी हुई और उनको गर्व महसूस होता है कि हमारे जो हमारे शिक्षा के ग्रहण करके दो दो मुख्यमंत्री राज्य में बने और आज राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्य चलाने में काफी अच्छा अनुभव साबित हो रहा है जिस तरीके से उन्होंने बताया। और निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि आज के दिन में यह शिक्षक के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। जी, जाहिर तौर पर प्रभात जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया है हमारे साथ, वो खुशी उनके चेहरे पर साफ देखने को मिल रही थी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।